क्या घटना हुई आपके साथ में? मेरे घर पे शादी है मेरे भतीजे की। मैं शादी की तैयारियां कर रहा था। मैं अपने जो मेरा व्यापार स्थल है, मेरी गोदाम है, मैं शाम के वक्त मेरा गेट बंद था। मैं छलदा से लौट रहा था, मैंने देखा बच्चों ने गेट सही से बंद किया या नहीं किया। मैं देखने गया था, मैं अपने गेट पर खड़ा था। मेरे ही परिवार का एक व्यक्ति भूरे बाता मेरे पास आके खड़ा हो गया। ये लोग भाजपा के कुछ पदाधिकारी और चेयरमैन प्रत्याशी राजू पोरवाल एक ब्लैक कलर की गाड़ी से आए और कुछ आगे निकल गए, फिर आगे से मुड़ा के दोबारा ले आए और उतर कर मोबाइल में टॉर्च जलाई सब लोगों ने और तुरंत मेरे पास आए और कहने लगे क्या कर रहा है, रुपए बांट रहा है, शराब बांट रहा है। मैंने कहा मैं बाप भैया अपने दरवाजे खड़ा हूँ, मैं रुपए और शराब क्यों बांटूंगा, मैं तो अपने दरवाजे खड़ा हूँ, दरवाजे खड़े होना भी गुनाह है क्या? मैं रिंटू दुबे जो समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी है, मैं उनका प्रस्तावक हूँ और शुरू से ही जब से मैं उनका प्रस्तावक बना हूँ और उनके साथ वोट मांगता रहा, ये लोग मुझ पर दबाव बनाते रहे हैं। जबकि मैंने चेयरमैन साहब से शुरू में स्टार्ट में मना कर दिया था कि मैं रिंटू दुबे का प्रस्तावक हूँ, मैं इन्हीं के साथ रहूंगा, इन्हीं के वोट मांगूंगा, लेकिन ये तमाम तरीके से मुझ पर दबाव डलवाते रहे कि पार्टी के लिए वोट मांगो, नहीं प्रशासन तुम्हें परेशान करेगा, तुम व्यापारी हो, तुम्हें ये कर दिया जाएगा, वो कर दिया जाएगा। मैं इनके बहकावे में आ गया, इनके दबाव में आ गया। मैंने इनसे ये भी कहा कि मैं उनका प्रस्तावक हूँ, अगर मैं उनके खिलाफ वोट मांगने जाऊंगा तो ये मेरी गद्दारी होगी, मेरा समाज में स्थान नहीं रहेगा। इस छलदा ब्लॉक के दसियों हजार लोग हर जात के लोग मुझसे जुड़े हुए हैं। मैं जात का कार हूं और मेरी यहाँ कोई कहने वाला ऐसा व्यक्ति मेरा कोई नेता नहीं है मेरे समाज से जो मेरी बात कह सके। इस छलदा टाउन में हर बिरादरी का आदमी रहता है, इनका विरोध छत्री भी कर रहा है, पंडित भी कर रहा है, गुप्ता भी कर रहा है, पोरवाल भी कर रहा है, लेकिन इन्होंने टारगेट सिर्फ मुझे ही क्यों बनाया? क्योंकि मैं अल्पसंख्यक हूँ, मैं दबा कुचला हूँ। मुझे पहले गाड़ी से उतरते ही मुझे गाली गलौज करने लगे, मुझे कालर पकड़ के खींच लिया कि मैं तुझे अभी अंदर डलवाता हूँ, एसपी साहब को फोन करता हूँ, पुलिस बुलाता हूँ। इन्होंने तुरंत पुलिस बुला ली और वो तो उस रोड पे काफी लोग इकट्ठे ना हो जाएं तुरंत तो ये मेरी क्या हालत करें ये आज पता नहीं। मैं एक व्यापारी हूँ, एक सामाजिक आदमी हूँ, मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ। वो तो रिंटू से मेरे पर्सनल व्यवहार थे, मैं उनका प्रस्तावक बना, वो अच्छे आदमी मुझे मिले, मैं उनका प्रस्तावक बना, उनके लिए वोट मांगता था। ये लगातार 10 साल समाजवादी पार्टी में ये चेयरमैन रहा, आज ये भाजपा से रुपए ले देके यहाँ के पदाधिकारियों से मिलजुल करके इसने टिकट तो खरीद लिया और आज ये भाजपा से प्रत्याशी हो गया। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से ये पूछना चाहता हूँ कि इसको भाजपा से टिकट क्यों दिया गया? या 30 साल 40 साल से बोल एक व्यक्ति भाजपा के लिए काम कर रहे थे, जिस समय यह भाजपा का कोई कार्यकर्ता नहीं था, कोई एजेंट बनने को मजबूर तैयार नहीं होता था, उनको टिकट क्यों नहीं दिया गया? ये कल समाजवादी पार्टी से आया और इसे तुरंत टिकट दिलवा दिया भाजपा के पदाधिकारियों ने। तब भाजपा के पदाधिकारी कहां सो रहे थे, कहां देख रहे थे इस कार को, इस समाज को कि इसका भी वोट चाहिए? आज तुम चुनाव में हार रहे हो तो तुम मुझ पे प्रेशर बना रहे हो क्योंकि मैं अल्पसंख्यक हूं, मुझे गाली गलौज की, माँ बहन की गालियां दी, मेरा व्यापार बंद कराने की धमकी दी, मुझ पे हाथ उठाया। मैं एक